सो हेलो गाइस, माय नेम इज जयेंद्र एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक जे गेमर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड है। काफ़ी बार मैंने देखा है जो स्मार्टफोन के यूज़र्स होते हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये कैसे करते हैं, जब आप नया नया फ़ोन लाते हो तो जब उसको कुछ टाइम के लिए दोस्तों यूज़ करते हो उसे, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम आपने ज़रूर फेस की होगी कि वो हैंग होता है, लैग करता है, हैंग होने लग जाता है या स्लो डाउन हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी स्क्रीन काम करना थोड़ी मतलब कम कर देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको उसके रीजंस बताने वाला हूँ ये क्यों होता है, और साथ ही मैं उसके दो तरीके बताने वाला हूँ जिनके वजह से आप उसे सही कर सकते हैं और उन्हें सही रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वो दो मेथड है। पहला मेथड है कि वो एक ऑटो मेथड है, और दूसरा है वो एक मैनुअल मेथड है। तो दोस्तों, पहले ऑटो की बात कर लेते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपके फ़ोन में और सिंपली उसे इंस्टॉल करना है, और फिर मैं आपको आगे उसका प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले करना है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से जाकर सर्च करना है गूगल फाइल्स, उस पर क्लिक करना है, उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और जब उसको इंस्टॉल कर लगे तो उस पर क्लिक करना है, उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, कोई स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको, वहाँ आपको ऊपर ऊपर ऑप्शन देखने को मिलता है जंक फाइल्स का, और या फिर उसको एप्लीकेशन कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, दोनों सेम ही है। तो वो जंक फाइल्स है ना, उनको आपको क्लीन करनी है। जो दोस्तों यही फाइल्स होती है जो टेम्परेरी फाइल्स होती है और अपने आप ही बन जाती है और अपने आप ही क्रिएट हो जाती है, तो इन्हें आप रिमूव कर सकते हैं आराम से इजीली, बस इस पर क्लीन वाले बटन को दबा के। दोस्तों, इसको दबाने से आपको ना तो कोई आपके स्मार्टफोन पे आपको कोई एप्लीकेशन भी इफेक्ट पड़ेगा, ना आपको कोई डेटा पर्सनल रिमूव होगा, ये सिर्फ आपके टेम्परेरी फाइल्स को ही रिमूव करेगा। दोस्तों, एकदम सेफ़ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मेथड मैनुअल है, तो दोस्तों ये आपको खुद से करना पड़ेगा। काफ़ी बार दोस्तों, आज के स्मार्टफोन के 2020 के यूज़र्स हैं वो तो ये ऑप्शन आपके स्मार्टफोन में देखने को जरूर से मिल जाएगा, या फिर जो कोई पुराने फ़ोन होते हैं उनमें आपको देखने को मिले, तो मैं आपको एप्लीकेशन ही बता दिया, वो इजीली आपको रिमूव करवा देगा। दोस्तों, अब मैं मैनुअल की बात करता हूँ, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके स्मार्टफोन में ऑप्शन दिया रहता है आई मैनेजर्स का, या फिर मैनेजर्स का, या फिर एप्लीकेशन मैनेजर्स का। दोस्तों, दोनों यूज़ कर सकते हैं, पर दोस्तों पहले मैं आपको वो वाला बता देता हूँ, एप्लीकेशन आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल होता है, मतलब जो कोई भी स्मार्टफोन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो उसे। दोस्तों, उसका नाम होता है मैनेजर, या तो आई मैनेजर, या इस नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली उस पर क्लिक करना है, और उसमें ऑप्शन दिया रहता है क्लीन जंक फाइल्स या क्लीन स्टोरेज, उस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। एंड देन दोस्तों, वो आपको ऑप्शन देगा क्लीन जंक फाइल्स का, बहुत से ऑप्शन देगा टेम्प्रेरी फाइल्स का। दोस्तों, मैंने आपको जो एप्लीकेशन बताया फाइल्स वाला, वो आपके साथ ही में जंक टेम्प्रेरी फाइल्स तो रिमूव करता ही है, साथ ही में आपको स्टोरेज भी आपको जल्दी से आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर जो डुप्लीकेट फाइल्स होती है आपके स्मार्टफोन में, आप उन्हें भी ईजिली रिमूव कर सकते हैं। सिंपली करना क्या है, आपको आपकी सेटिंग्स में जाना है। देन सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों, आपको वहाँ पे आपको सर्च या सर्च का ऑप्शन मिले तो सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है जिसका नाम, मतलब एप्लीकेशन क्या दोस्तों लिखा हुआ होगा, एप्स या एप्स मैनेजर कुछ भी होगा दोस्तों, इन दोनों से आपको एक पे क्लिक करना है। देन दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आएगा ऑल एप्स, जितने भी आपके स्मार्टफोन में एप्स इंस्टॉल हो गए वो सारे वहाँ पे आपको शो करेंगे। आपको जो भी एप्स की एप्लीकेशन कैसे डिलीट करनी है, तो आप सिंपली वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जो भी आपको जैसे मैं माना व्हाट्सअप, तो आपको व्हाट्सअप पे क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे ऑप्शन दिया रहता है एप्लीकेशन या क्लियर कैशे पे क्लिक करना है, सिंपली वहाँ से भी टेम्प्रेरी फाइल्स रिमूव हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ दो मेथड जो आपके स्मार्टफोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जरूर से आप यूज़ करो। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही में यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही।